हेलो यूट्यूब, दिस इज गणेश। आज की वीडियो में हम अनबॉक्सिंग, रिव्यू और टेस्टिंग करेंगे सुनिंदिया के डिलाइट स्काई शॉट्स का। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इसकी। इसकी एमआरपी लिखी है 1950 रुपीज, लेकिन हमें यह बॉक्स पड़ा है 400 रुपीज का। आपको ये होलसेल में 300 रुपीज का भी मिल सकता है। और एक बॉक्स में आते हैं दोस्तों 3 स्काई शॉट्स। ये वाले स्काई शॉट्स इसी साल के मैन्युफैक्चर्ड हैं दोस्तों, और बिल्कुल ब्रांड न्यू है। इसकी पैकेजिंग क्वालिटी दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी है। चलिए अब इसका प्लास्टिक रैपर हटाकर इसे खोलकर देखते हैं कैसे स्काई शॉट्स हमें देखने को मिलते हैं इसके अंदर से। मुझे लगता है दोस्तों कि इसके अंदर जो 3 स्काई शॉट्स होंगे उन सबका डिफरेंट इफेक्ट ही होना चाहिए। तो बॉक्स के ऊपर दोस्तों एक प्लास्टिक की रैपिंग लगी है, और डिलाइट नाम से मुझे लग रहा है दोस्तों कि ये बहुत ही अच्छा स्काई शॉट होना चाहिए। साथ ही साथ ये सुनिंदिया ब्रांड का है तो काफ़ी अच्छा चलेगा। 2 इंच का शेल होने के कारण मुझे लगता है लगभग ये 100 फीट्स की हाइट तो पकड़ेगा ही आराम से। इसकी जो अनबॉक्सिंग है दोस्तों वो भी काफ़ी डिफरेंट है। यूजुअली जो ज़्यादातर स्काई शॉट्स होते हैं उनकी सामने से होती है और ट्रांसपेरेंट शीट सी लगी होती है, लेकिन इस वाले स्काई शॉट की दोस्तों ओपनिंग ऊपर से है। आप देख सकते हैं इसके ऊपर यहाँ पर टेप लगी हुई है। मैंने पर्सनली नोटिस किया है दोस्तों, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा नहीं होती है वो पटाखे ज़्यादा अच्छे चलते हैं। जैसा आप देख सकते हैं इसके अंदर हमारे को 3 स्काई शॉट्स देखने को मिलते हैं, काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। अगर हम एक पीस बाहर निकाल कर देखें तो वो कुछ इस प्रकार का है। हम तीनों पीस बाहर निकाल कर देखते हैं दोस्तों बारी बारी से। तो ये था दोस्तों पहला स्काई शॉट। अगर हम दूसरा निकालें दोस्तों तो वो कुछ ऐसा है, और अभी अब तीसरा निकालें तो वो भी शायद सेम ही है। ऊपर जो टेक्सचर बना है वो सारा कुछ सेम है तीनों स्काई शॉट्स का। मैं आपको ये तीनों एक साथ पकड़ के दिखाता हूँ दोस्तों कि कैसे हैं ये देखने में। तो देखिए कुछ इस प्रकार के हैं, इनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और बहुत ही सुंदर, बिल्कुल ब्रांड न्यू लग रहे हैं मुझे। काफ़ी हद तक 2020 की मैन्युफैक्चरिंग ही लग रही है इनकी। मुझे लगता है इन तीनों स्काई शॉट्स का इफेक्ट डिफरेंट होगा। अगर हम एक पीस दोस्तों क्लोजअप में देखें तो आप देख सकते हैं इसकी प्रॉपर ब्रांडिंग करी है। ऊपर लिखा है सुनिंदिया, बीच में लिखा है अमेजिंग कलर्स, और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं इसे जलाने का तरीका भी दिया गया है इसके ऊपर। साथ ही साथ आप इसका बेस देख सकते हैं, एकदम सॉलिड और इवन है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बेस है, और टॉप पार्ट भी बहुत ही ज्यादा अच्छे से पैक करके रखा है, एकदम सॉलिड। इसकी क्वालिटी मुझे काफी पसंद आई। अगर हम इसका फ्यूज देखें दोस्तों तो काफी अच्छी क्वालिटी का है वो भी। उसके ऊपर छोटी सी टेप लगी है जैसे यूजुअली स्काई शॉट्स में आती है, और आप इसके फ्यूज की क्वालिटी देख सकते हैं बिल्कुल वैसी है जैसे मिनियन स्काई शॉट्स की थी। बहुत ही अच्छी क्वालिटी लगी मुझे स्काई शॉट की। उम्मीद करते हैं इसका इफेक्ट भी काफी अच्छा होगा। चलिए इसे टेस्ट करके देखते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमने इसको बिल्कुल इवन सरफेस पर रखा है, जमीन पर रखेंगे तो बेस्ट रहता है। चलिए अब इसे जलाकर देखते हैं कैसा है इसका इफेक्ट। दोस्तों जैसा कि आपने देखा इसने काफी ज्यादा अच्छी हाइट पकड़ी, बहुत ही ज्यादा अच्छी हाइट, मतलब लगभग 100 मीटर की हाइट पकड़ी इसने कम से कम। और ऊपर जाके जो इसका इफेक्ट था वो कमाल का था दोस्तों, ग्रीन और रेड कलर के स्टार्स, साथ ही साथ क्रैकलिंग इफेक्ट भी, मजा आ गया दोस्तों। बहुत ही अच्छा स्काई शॉट, मेरे ख्याल से बेस्ट स्काई शॉट लगा मुझे। इतने सस्ते रेट में इतना अच्छा स्काई शॉट मिलना बहुत ही मुश्किल है दोस्तों। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, एम करते हैं 2000 लाइक्स के लिए। नीचे लाल वाला बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे 90% व्यूअर्स ने हमारा चैनल सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा है। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें ताकि वो भी स्काई शॉट का आनंद उठा सके। कमेंट करें आप आगे क्या देखना चाहते हैं। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।